वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज डॉक्टर मनोज बिंदुवार। और फ्रेंड, आज हम एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का केस डिस्कस करेंगे। ये केस है 38 इयर्स ओल्ड फीमेल पेशेंट का केस है, और ये पेशेंट लगभग एक साल से चेस्ट में पेन के लिए एमडी और ऑर्थो पेशेंट के पास ट्रीटमेंट करवा रही हैं, बट कोई रिलीफ नहीं मिल रहा उनको। तो लोकल पेशेंट है, तो किसी ने कहा कि आप इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाइए, तो ये मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए। तो मैंने उनसे पूछा कि बताइए क्या तकलीफ है। तो पेशेंट ने कहा कि सर, मुझे एक साल से लेफ्ट साइड चेस्ट में पेन हो रहा है, और ये दर्द पूरे मेरे लेफ्ट साइड में हाथ तक जा रहा है, और इसके लिए मैंने एमडी कार्डियोलॉजिस्ट जो है उनको दिखवा रही हूँ, और जो एमडी डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले रही हूँ, बट डॉक्टर कह रहे हैं कि इसमें चेस्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो मैंने कहा कि और, तो बोले कि सर इसके लिए मैंने सर लोकल का जो रतलाम के जो डॉक्टर हैं वहाँ दिखाया, अहमदाबाद दिखाया, बड़ौदा दिखाया, जो इसके एक्सपर्ट डॉक्टर उनको मैं दिखा रही हूँ कि कहीं से कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो, बट कोई आराम नहीं मिल रहा सर मुझे। तो मैंने कहा कि क्या तकलीफ है इससे आपको, तो बोले कि सर एकदम इसमें जो चेस्ट में पेन होता, दर्द उठता है मुझे, तो इतना तेज दर्द उठता है कि मुझे जो भी काम कर रही हूँ, मुझे कुछ भी कर रही होती हूँ, तो मुझे वो छोड़ कर फिर लेटना पड़ता है, फिर मैं नहीं कर पाती हूँ। फिर जब ये दर्द जब तक रहता था तो मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, फिर जैसे कम होता है ये, फिर ही मैं मतलब अपना कुछ भी आगे कर पाती हूँ। तो फिर ये दर्द के वक्त तो मुझे सर फिर लेटना करना ही पड़ता है, रेस्ट लेना ही पड़ता है फिर मुझे, तब फिर मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने कहा कि इसको लेके क्या विचार है आपको, कि सर इतनी जांचें हो रही हैं, डॉक्टर्स को दिखाया मैंने, तो फिर ये ठीक क्यों नहीं हो रहा, आखिर है क्या ये। तो मैंने कहा कि एमडी डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, बोले एमडी डॉक्टर्स ने मुझे ऑर्थो डॉक्टर के पास रेफ़र किया। तो मैंने कहा कि वो क्या बोलते हैं, बोले कि उन्होंने मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम बताया। तो क्या सर सर्वाइकल की प्रॉब्लम में ऐसा होता है क्या। तो मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया कि क्या प्रॉब्लम, मैंने ठीक है। तो मैंने कहा इसको लेकर आपको क्या चिंता है। बोले सर मैं इतना ट्रीटमेंट ले रही हूँ, इतना सब कुछ चेकअप करवा रही हूँ, फिर ये प्रॉब्लम ठीक क्यों नहीं हो रही है सर, इसको लेकर टेंशन है ना सर, कि टेंशन होगा ना सर कि सर कि इतना ट्रीटमेंट लेने के बाद भी प्रॉब्लम ठीक क्यों नहीं हो रही है। तो मैंने कहा कि और, तो बोले सर मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं किसको दिखाऊं, मैं जो कार्डियक वाले डॉक्टर उनको दिखाऊं कि ऑर्थो को दिखाऊं कि किसको दिखाऊं, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊं। तो मैंने कहा कि क्या आपको इसको लेकर कोई विचार टेंशन। तो बोले कि सर कुछ जब ये दर्द इसमें से ऐसा अजीब सा दर्द होता है कि सर मैं आपको समझा नहीं सकती, इतना अजीब सा एहसास होता है, तो मुझे बहुत घबराहट होती है, तब टेंशन होता है मुझे। तो मैंने कहा कि क्या होता है, बोले कि सर एक अजीब सा दर्द और एक एहसास होता है मेरे चेस्ट में, और उसकी वजह से मुझे बहुत घबराहट होती है कि आखिर ये क्या है, मतलब क्या है, मतलब ये क्यों हो रहा है, ये एक अजीब सा एहसास होता है मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती सर कि क्या होता है, और उस वक्त फिर मुझे ये घबराहट और बेचैनी होने लग जाती है। तो मैंने कहा कि और कुछ, तो बोले सर बस इससे थोड़ा सा टेंशन रहता है कि कहीं कुछ कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मैं कि क्या प्रॉब्लम, क्या टेंशन, बोले सर बस यही कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो मैंने इस चीज़ पे दो तीन बार पूछा, तो पेशेंट ने कोई नहीं सर कुछ भी हो सकता ना सर आजकल। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं आपको मेडिसिन देता हूँ। हमने उसको 30-30 पोटेंसी के 30 के तीन डोजेज दिए। सेकेंड डोज में उसका चेस्ट और जो उसको जो जो प्रॉब्लम के लिए आई थी वो प्रॉब्लम मेरी टेबल पर ही काफ़ी रिलीफ हुई, और उसके बाद हमने उसके 15-30 और हर मंथ के फॉलोअप लिए। पेशेंट के उस तीन डोज के बाद उसको वो प्रॉब्लम आया ही नहीं, और वो इस प्रॉब्लम से फ्री हो गई। अब इस केस में सबसे पहला जब हम देखें कि पेशेंट बार बार अपनी जांचें करवा रही हैं, बार बार अलग 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 डॉक्टर के पास जा रही हैं, कभी इसी डॉक्टर को कभी उस डॉक्टर को, कहीं तो ये बीमारी पता चले कि आखिर क्या है, क्यों हो रहा है ये। तो सबसे पहला रूब्रिक एंजाइटी ड्राइविंग हिम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो
चिंताओं की वजह से अलग अलग जगह जा रही हैं, चेकअप करवा रही हैं, और उसको लाइट चाहिए कि बीमारी पता चले, जांचें करवा रही कि भाई कुछ तो पता चले कि क्या है ये। और एक जगह उसने हमसे भी पूछा कि डॉक्टर साहब सर्वाइकल की वजह से ऐसा कुछ होता है क्या। तो ये था लाइट जो उसको चाहिए और मिल नहीं रही है, और कह रही कि डॉक्टर साहब आखिर हो क्यों रहा है, मैंने इतनी जांचें करवा रही हूँ, मुझे ये समझ में काई से हो रहा है ये पेन, एनजाइटी इन डार्क। और पेशेंट को जब हमने ये पूछा कि भाई इसको लेकर प्रॉब्लम क्या है, कि सर इतना ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी मेरी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, जा ही नहीं रही प्रॉब्लम, तो फिर टेंशन होगी ना सर, इतना ट्रीटमेंट के बाद भी प्रॉब्लम क्यों नहीं जा रही सर, क्यों हो रहा है सर ये सब। तो एक रूबरिक है हमारे पास, एनजाइटी एज ए परस्यूड, वो जो बीमारी है वो जैसे पीछे ही पड़ गई हो, और वो पीछे जो पड़ गई है उसकी वजह से चिंता हो रही है कि जा क्यों नहीं रही है, ठीक क्यों नहीं हो रही है, तो सर इसकी वजह से सर मुझे टेंशन हो रहा है। और पेशेंट ने कहा कि सर इतना दर्द होता है कि जब दर्द होता है तो मुझे सारे काम छोड़ छाड़ कर मुझे लेटना पड़ता है फिर। तो ये रूबरिक है डिलीजन इमेजिनेशन ही और शी इज पजल्ड, पेशेंट को इतना ऐसा लगता है कि वो किसी के पोजीशन में है, किसी के अधिकार क्षेत्र में आ गया है, और वो जैसा दर्द बोलता है वैसा उसको करना पड़ता है। वो कहती है कि मुझे लेटना ही पड़ता है, जब तक दर्द बंद नहीं होता तब तक मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ, मतलब वो दर्द के अधिकार क्षेत्र में आ चुकी है, जब तक वो रहेगा तब तक वो उसी के हिसाब से काम करेगी। पेशेंट कह रही कि डॉक्टर साहब मैं कार्डियक पेशेंट के पास जाऊं कि जो औरतें उनके पास जाऊं, किधर जाऊं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ग्रोपिंग एज इफ इन डार्क, पेशेंट ग्रोप कर रही है, पेशेंट को टटोल रही कि सर मैं कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इधर जाऊं कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं, वो अभी डार्क में है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि सर मैं कहाँ जाऊं। इस केस में एक और जो इम्पॉर्टेंट रूब्रिक है वो है कि पेशेंट के लिए डॉक्टर साहब एक अजीब सा दर्द होता है सर, एक अजीब सी घबराहट होती है, अजीब सा सेंसेशन होता है, ये जो अजीब सा सेंसेशन, अजीब सी घबराहट, अजीब सी टेंशन जैसे फड़फड़ाहट होती है अंदर, इसे मैं समझा नहीं सकती हूँ कि आपको क्या होता है। तो ये एक नर्व रिपेटरी का रूब्रिक है, आपको कई केसेस में काम आएगा, एंजाइटी पिक्युलर सेंसेशन ऑफ, पिक्युलर अजीब अनोखा विचित्र, सेंसेशन मतलब एहसास, एक अजीब सा एहसास होता है सर अंदर, और वो जब होता है ना तो मुझे घबराहट होने लग जाती है, और वो अजीब सा क्या है मैं बता नहीं पाती आपको कि क्या है वो प्रॉब्लम। तो ये जो नर्व रिपेटरी जिसमें सिंगल स्ट्रामनियम है, यस दिस इज द केस ऑफ स्ट्रामनियम, हमने स्ट्रामनियम के 3 डोज दिए और पेशेंट की को नेक्स्ट डोज की ही भी जरूरत नहीं पड़ी, उसका सर्वाइकल पूरा क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो मुझे एक बहुत अच्छा रूब्रिक जो मैंने कई केसेस में यूज़ किया, एंजाइटी पिक्युलर सेंसेशन ऑफ नर्व रिपेटरी का सिंगल स्ट्रामनियम का रूब्रिक है, ओवरऑल पूरा फील ही स्ट्रामनियम का है, बट हम हर केस में कुछ नया ढूंढें तो हमको कुछ नया हाथ लगेगा। तो इस केस में मैं आप तक जो रूब्रिक पहुँचाना चाहता हूँ, जनरली आपके सभी रूब्रिक काफ़ी जाने पहचाने हैं, बट इसमें जो ये रूब्रिक है एंजाइटी पिक्युलर सेंसेशन ऑफ, ये नर्व रिपेटरी का है। तो ये आप याद रखिएगा कि पेशेंट कई बार कान के पेशेंट, टिनिटस के केस आफ्टर कोविड मैंने कई केसेस में देखा कि पेशेंट को कान में सीटियाँ बजती थी, तो पेशेंट बोलते थे कि डॉक्टर साहब ये कान के अंदर जो सीटी बजती है ना, तो इसे एक अजीब सा एहसास होता है मुझे, अजीब सी जो वो अजीब सी आवाज़ होती है, असल में बता नहीं सकती क्या होता है वो, तब बड़ी बेचैनी और घबराहट होने लग जाती है। तब भी हमने इस रूबरिक को अप्लाई किया, एंजाइटी पिक्युलर, पिक्युलर मतलब कि अजीब सा, विचित्र, अनोखा, जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप, विचित्र सर मुझे कुछ समझ ही नहीं पड़ती क्या है, कौन सी आवाज़, तो उसकी वजह से उनको घबराहट, बेचैनी, चिंता जब शुरू हो जाती हैं, देन तब यह रूब्रिक बहुत ही हेल्पफुल है, यूज़फुल है। तो इस केस के थ्रू हमने पेशेंट के सर्वाइकल को ठीक किया। तो ये था बहुत ही सिंपल केस स्ट्रामोनियम का, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का। थैंक यू।